सपोज आपके पास एक ब्लॉक है और ये एक वॉल है या मेरा हाथ है, कुछ भी कह लो। क्वेश्चन है, फ्रिक्शन प्रेजेंट है और वेट इसका 2g है। लास्ट टाइम एक क्वेश्चन किया था जिसमें मैंने इसको दबाया था ऐसे बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन, शायद कुछ ऐसा था, ये था। तो मैंने पकड़ के रखा हुआ था ताकि गिर ना जाए। तो जब मैंने 12 न्यूटन की फोर्स ऐसे लगाई थी तो रिएक्शन क्या लगा था? 12। इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है वो? इस क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है मैंने इसको दबाया ही नहीं, पकड़ा ही नहीं, अब तो गारंटी नीचे गिरेगा ही गिरेगा। पर मैंने क्या किया, बहुत तेज इस वॉल को एक्सलरेट करवाया, जैसे वो नहीं है पतंग यहां रख ली और भागना शुरू कर दिया, पतंग नीचे गिरेगी नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप एक्सलरेट इधर करोगे तो ब्लॉक के ऊपर पीछे क्या लगेगी? सूडो फोर्स। इसका खुद का मास 2 है, एक्सलेशन आगे जाने की a है, तो सूडो फोर्स क्या है? 2a है इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो जैसी ये दीवार आगे मूव करेगी विद a, तो सूडो फोर्स कहां लगेगी? 2a। तो ब्लॉक दीवार को प्रेस कर रहा है विद 2a, तो बदले में दीवार भी क्या लगाएगी? नॉर्मल रिएक्शन। तो इस केस में नॉर्मल रिएक्शन क्या बनेगा? 2a। ठीक हो गया। तो अगर मैंने फोर्स लगाई होती 12 तो नॉर्मल रिएक्शन 12, मैंने अगर भागना शुरू कर दिया तो सूडो फोर्स नॉर्मल रिएक्शन बन जाएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो इसमें ये नीचे क्यों गिरेगा? बिकॉज ऑफ इट्स वेट 2g। क्यों नहीं गिरेगा? बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर आप चाहते हैं नीचे ना गिरे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2g। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती क्या है? न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल रिएक्शन क्या है यहां पर? 2a, 2 से 2 कैंसिल। तो आपको ऑब्जेक्टिव में आंसर मार्क करने को दिया जाएगा कि बताओ अगर ये ब्लॉक नीचे ना गिरे तो म्यू की वैल्यू क्या हो, तो ग्रेटर देन इक्वल टू g/a। राइट, क्लियर है? अच्छा, वो ये भी पूछ सकता है म्यू की मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसमें, म्यू की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो आंसर क्या होगा? g/a। कैसे? ये समझ में आया क्यों? इक्वालिटी हट जाएगी। कितनों को समझ में आ गया? देखो, मेरे मैथ्स में मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 33 हैं, तो मेरे मिनिमम मार्क्स कितने हैं? 33 है, तो इनइक्वालिटी हट जाएगी और इक्वल टू क्या कर देंगे? 33। यार मैं तुम्हें फिजिक्स में ना फेल नहीं करना चाहता, इसलिए मैथ्स बोलता हूं, केमिस्ट्री बोल दूंगा, फिजिक्स नहीं बोलूंगा। ठीक समझ में आ रहा है यहां तक? नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में करेक्शन है। म्यू की वैल्यू गिवन करो हाफ करो। ठीक है, क्वेश्चन है सपोज इस बार मैंने ब्लॉक को प्रेस किया विद एफ, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या है? एफ। वेट डब्ल्यू और फ्रिक्शन ऊपर है, तो क्वेश्चन है ये ब्लॉक नीचे नहीं गिरना चाहिए, और अगर नीचे नहीं गिरना चाहिए एफ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू W। यहां करेक्शन करो, F should be greater than equal to W। वेट भी वेट के इक्वल हो या फ्रिक्शन उससे बड़ी हो, नीचे नहीं गिरेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन यहां पर क्या है? F। तो F की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू W बाय म्यू। म्यू कितना गिवन है? हाफ। हाफ ऊपर गया तो आंसर क्या आ गया? F should be greater than equal to 2W। वो फिर कहेगा फाइंड मिनिमम फोर्स ताकि ब्लॉक नीचे ना गिरे। बोलो आंसर क्या होगा? मेरे मार्क्स मैथ्स में ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है, तो मिनिमम कितने हैं? 33 है, तो भैया ग्रेटर देन हटा दो, इक्वल टू लगा के 2W। ये पेपर में पूछेगा मिनिमम फोर्स, और अगर नहीं पूछेगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू आंसर होगा।
समझ में आ रहा है ऑनलाइन? यस सर। बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपके ऑब्जेक्टिव की शीट की भी प्रॉब्लम थी ये, नीट मेंस में, स्कूल में कई बार यार कहीं जगह मिलती रहेगी आपको, मेंस और नीट में तो बहुत बार आती है। आपको ना क्वेश्चन में दो केस देगा, पहला केस देगा एक इंक्लाइन प्लेन है ठीक है और स्मूथ है, तो मेरे को एक चीज का आंसर दें, अगर आपके पास कोई भी इंक्लाइन प्लेन है और कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई भी इसमें फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है ठीक है, और ये एक ब्लॉक है, और दूसरा केस है आपको इंक्लाइन प्लेन देगा और ये रहा ऑब्जेक्ट, और यहां पर फ्रिक्शन है, यहां पर फ्रिक्शन है, तो बस आप मुझे ये बताओ पहले केस में इसका मास अगर एम है और यह एंगल थीटा है, तो ये बताओ कि ये ऑब्जेक्ट कितनी एक्सेलरेशन से नीचे आएगा? फोर्स पूरा पढ़ लिया आपने, बोलो क्या, बोलो फिर से बोलो, ऑनलाइन बोलो, एक्सेलरेशन क्या होगी इस केस में ब्लॉक की? जी कितने साइन लोग थीटा। बोलते हैं जी साइन थीटा? हाँ एम जी साइन थीटा नहीं, क्योंकि एम जी साइन थीटा तो फोर्स है, तो इसमें ये फोर्स है कितनी, एम जी साइन थीटा, जब कॉम्पोनेंट्स बनाएंगे ये होते हैं ना एम जी कॉस, एम जी साइन, ये फोर्स है, तो एक्सेलरेशन क्या होती है, फोर्स डिवाइडेड बाय मास, तो क्या आएगा जी साइन थीटा, तो आज के बाद शॉर्टकट है, अगर इंक्लाइन प्लेन स्मूथ है तो नीचे आने की एक्सेलरेशन ब्लॉक की जी साइन थीटा, लेकिन अगर फ्रिक्शन है, तो अगर फ्रिक्शन है तो एक फोर्स नीचे एक्ट करेगी और एक फ्रिक्शन पीछे एक्ट करेगी, नीचे की फोर्स क्या है एम जी साइन थीटा और ऊपर की फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, और अगर ये ए एक्सेलरेशन के साथ नीचे आ रहा है तो एम जी साइन थीटा माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज मास इनटू एक्सेलरेशन, या फिर एम जी साइन थीटा माइनस म्यू टाइम्स एम जी कॉस थीटा इज मास इनटू एक्सेलरेशन, ये लो, तो एक्सेलरेशन क्या आएगी जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, कोई डाउट इसमें, फ्रिक्शन के साथ वो एक्सेलरेशन, बिना फ्रिक्शन के ये एक्सेलरेशन, कोई डाउट ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि आपके पास केस नंबर वन स्मूथ सरफेस है, एक बॉडी यूज इक्वल टू जीरो से चली, नीचे आती है विद द वेलोसिटी ऑफ वी, तो एक्सेलरेशन स्मूथ में क्या लेंगे जी साइन थीटा और डिस्टेंस एस, तो दूसरे केस में कह रहे फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगी, अभी कैलकुलेट की जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, तो नीचे बॉडी आती है विद द वेलोसिटी ऑफ वी बाई एन, तो आप यहां का म्यू बताए क्या होगा म्यू, और ये म्यू होगा कौन सा, स्टैटिक की काइनेटिक, काइनेटिक की स्टैटिक, हाँ मूव हो रहा है काइनेटिक, मूव हो रहा है तो काइनेटिक, स्टैटिक का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो इसलिए वो म्यू के नहीं दे रहा, वो कह रहे बच्चों को इतना तो पता ही होगा म्यू दे दो बॉडी मूव कर रही है तो पूछेगा भी नहीं, ये काइनेटिक ही है, इसलिए आधे क्वेश्चन में म्यू के म्यू एस गिवन नहीं होता, म्यू ही गिवन होता है सिर्फ, पता ही है वो काइनेटिक है क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन मूवमेंट पे आते हैं राइट। तो अब इस केस में फर्स्ट केस में एक्सेलरेशन पता है, सेकेंड में एक्सेलरेशन पता है, एक काम करते हैं पहले केस में बिना फ्रिक्शन में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस, इक्वेशन नंबर वन, फर्स्ट केस हो गया। दूसरे केस में वेलोसिटी फाइनल क्या है वी बाय एन, इनिशियल क्या है जीरो, एक्सेलेरेशन विद फ्रिक्शन पता है इनटू एस, दो इक्वेशन बन गई इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर टू, दोनों को डिवाइड कर लो टू बाय वन, ये मैंने दोनों को डिवाइड कर लिया, डिवाइड करके जी 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 एस एस कैंसल, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसल, मैथ मैंने लगाया नहीं, इसको प्लीज क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई करना और म्यू निकालना, ये आएगा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में ये ऑप्शन मार्क करना है, मैथ्स आप करेंगे सॉल्व आप करेंगे, इक्वेशन समझ आई कैसे बनी, करके देखना है आपने घर जाके सॉल्व, समझ में आ रहा है कि कैसे करना है।